सभी लोग ध्यान दें, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो WU की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर ऑलरेडी हमारे पिछले काफ़ी समय से बैच चल रहे हैं। हाल फिलहाल हमारे 3 बैच चल रहे हैं, 2 हिंदी मीडियम के बैच हैं और 1 इंग्लिश मीडियम का। 15 तारीख के आसपास हम हिंदी मीडियम का नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे रहेगा। ये जो बच्चे हमारे यहाँ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के कंटिन्यू हम टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम कंटिन्यू इनाम देते हैं। तो जो बच्चे जेट CUT, कहने का मतलब है 11th 12th या 12th पास आउट है करंट, उनको तो हम कंटिन्यू सेमिनार के जरिए अवार्ड देते हैं। WU के जो बैच है उनमें शुरुआत हम आज से कर रहे हैं अवार्ड देने की, टेस्ट इनके कंटिन्यू हो रहे हैं। मुझे लगता है इनाम का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अगर आप पढ़ाई का प्रॉपर माहौल बनाओगे तो चाहे WU की कितनी भी कम पोस्ट क्यों ना आए, आपकी सीट जो है पक्की हो सकती है। सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये बात मैंने FSO में भी की थी। FSO के अंदर आपके साथ कैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके आगे अब FSO लग चुका है नाम के आगे, क्यों? वो बच्चे उनमें भी शामिल हो सकते थे जिन्होंने ये सोचा होगा कि FSO की भर्ती के अंदर 10 ब्रांच के वो लोग भी शामिल होंगे, तो लगता है एग्रीकल्चर वालों को तो काम की शायद भर्ती नहीं है, कईयों ने कहा था। लेकिन उस टाइम भी मैंने वीडियो बना के कहा था कि इस बार वाली दिवाली FSO वाली, अगर किसी ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, और जो इस वीडियो को लाइव देखेंगे या बाद में देखेंगे वो देख लेना, उसके अंदर मैंने बोला था। और सबसे ज़्यादा बच्चे 200 पोस्ट के अंदर अगर सेलेक्ट हुए हैं तो वो एग्रीकल्चर फील्ड के सेलेक्ट हुए हैं। तो वैसे ही WU की बात करूँगा, पहले कई बार बच्चे सोचते थे कि WU की क्या तैयारी करनी है, इसमें तो जान पहचान वाले लगते हैं, आपके भी होगा ना दिमाग में कई बार। तो सरकार के अब ये भी क्लियर हो गया आपके भी कि जान पहचान वाले नहीं, इसमें जो पेपर में ज़्यादा नंबर लेके आएंगे वो लगेंगे। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि आप इसमें क्या नहीं है, हाँ, अब जो सही ओमार भर के आ गया उसका नंबर आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर आएंगे उनको। कि सर, एक एवरेज बच्चा जो है क्या WU बन सकता है? क्या एक सामान्य कॉलेज में जिस बच्चे ने UG की है क्या वो WU बन सकता है? तो उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इस बार मेरे ख्याल से WU बोलो चाहे PPG टॉपर बोलो, बराबर सी एक बात है या अलग अलग है? लगभग सेम है। कल बच्चा आया था, परसों की बात है, कल की बात है, कल ही आया था दिन में, वो परसों भी आया था लेकिन परसों में मिला नहीं, और कल प्रकाश जी का फोन आया कि ब्रजेश आपसे मिलना आया है। तो ब्रजेश अब हमारे लिए एक VIP हो गया। तो परसों तो क्योंकि मैं वहाँ चला गया था, आपको पता है, कृषि राज्य मंत्री जी के पास किशनगढ़ चला गया था ही नहीं तो मैं ब्रजेश के बुलाने पर पक्का आता ऑफिस में, चाहे मैं कहीं पर भी क्यों ना हो। फिर कल आया तो कल मेरे पास प्रकाश जी का फोन आया कि ब्रजेश मिलने आया है। मैं 5-10 मिनट कहीं पर भी था, वो काम कर करा कर ब्रजेश से मिलने चला गया, ऑफिस में बैठा था, एक बच्चा उसके साथ में और था। तो मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया क्योंकि वो 20 तारीख बाद में वापस आएगा, अभी तो RCA कॉलेज उदयपुर में एंटोमोलॉजी में उसने एडमिशन लिया। तो मैंने उससे ऐसे 5-10 क्वेश्चन किए, मैंने उससे ऐसे ही पूछा ब्रजेश से कि भाई आपने राजस्थान टॉप किया, ये बात तो सही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता क्योंकि आपके नंबर आ गए, लेकिन ऐसे कैसे आ गए? 5 यूनिवर्सिटी है, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उसके बाद में नीचे कॉलेज आती है, कौन सी आती है देखो, भीलवाड़ा, सुमेरपुर, नागौर, फतेहपुर सीकर, कुंबेर, भरतपुर, इसके अलावा आपके लालसोट, दौसा, ऐसे और नीचे कॉलेज हैं। चिमनपुरा की तो चॉइस ही लास्ट में रहती है और उसको तो लगभग एग्रीकल्चर की कॉलेज भी नहीं मानते। तो मैंने, मेरे मन में ये ख्याल आना स्वाभाविक सी बात है कि भाई कोई जादू भी ना, वहाँ उस कॉलेज के बच्चे का PPG में सिलेक्शन हो गया, अलग बात है, फर्स्ट रैंक आ गई, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछा कि भाई तेरी कॉलेज में रोजाना क्लासेज लगती होगी, रोज प्रोफेसर पढ़ाने आते होंगे, ऐसा कोई माहौल होगा जिसकी वजह से आप यहाँ आ गए? कि सर ऐसा कुछ नहीं था, जैसा कि उसने बताया कि कॉलेज में रोजाना ही जाना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, बच्चे अपने हिसाब से ही आते जाते, और हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज के अलावा दूसरा कॉलेज भी था। मैंने कहा समझा नहीं कि सर वहाँ BA, BEd, BSc वाले ये सब आते थे, मतलब वो एक कॉम्बो कॉलेज है, कोई एग्रीकल्चर का नहीं है, पार्ट है एग्रीकल्चर वहाँ।
तो फिर मैंने कहा आपका 5-7 का ऐसा ग्रुप बन गया होगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तगड़ा डिसीजन लिया कि यहाँ पे आगे कोई बात नहीं, अब मिलजुल के तगड़ी तैयारी करेंगे। तो उसने बोला कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, ना मेरे साथ कोई आदमी था, कोई बच्चा था पढ़ने वाला। ठीक है, इसका मतलब तेरे साथ अन्याय हुआ है, तेने 1-2 साल तगड़ी तैयारी की होगी, उसके बाद में डिप्रेशन में आ गया उमार बढ़ते वक्त कि भाई मैंने 2-3 साल तैयारी की है, अब नहीं हुआ तो क्या होगा। कई बार ये बात भारी पड़ जाती है बच्चे पर। तो मैंने कहा आप इसका मतलब थे तो इंटेलिजेंट, लेकिन डिप्रेशन में आगे पेपर देते वक्त हड़बड़ाहट हो गई आपके, इसलिए गलती से चिमनपुरा पूछ गए कि नहीं सर मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं तो 12वीं के साथ गया। मतलब इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, वो आप जैसे डेटा पढ़ के उस कॉलेज में गया। फिर कौन सी ऐसी आदर्श शक्ति थी जिसकी वजह से वो प्री पीजी टॉप कर गया, फिर एक ऑप्शन और बच गया, क्योंकि हमने 2022 में प्री पीजी का बैच चालू कर दिया था। तो मैंने कहा आपने जब हमने पीजी का बैच चालू किया उसी टाइम से ही आपने जो है कोर्स ले लिया होगा, तो आप सेमेस्टर वाइज कंटिन्यू पढ़ते गए। कि नहीं सर मैंने कोर्स सितंबर में लिया लास्ट में, इसका मतलब है सितंबर से लेकर 2 जून तक की मेहनत है उसकी, इसके अलावा उसकी कोई मेहनत नहीं है। अभी हाल फिलहाल वो इतने टाइम में पढ़ के इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को पीछे करके, और वो बच्चा पूरा राजस्थान का क्या बन गया, टॉपर। मैंने एपएसओ का एक वीडियो बनाया था, अब क्या समय नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं और बना के बताता आपको। एक बच्चा जिसकी परिस्थितियाँ बिल्कुल ही विपरीत, A to Z, 10वीं में 52% उस बच्चे का वीडियो बना के डाला था, उसका भी एफएसओ में नंबर आ गया। पता है आपको, पता है क्या सर, बीएससी में टॉप कर गया होगा, 62% है बीएससी में, कितने 62, यहीं से पढ़ा हुआ बच्चा है, छोटी बात है क्या ये। इसका मतलब है कि आपका ईमानदारी के साथ में एक लक्ष्य तय करने के बाद में आपने तय कर लिया कि मुझे यहाँ जाना है, और वो आपने तय किया मतलब आज, जैसे मान लो मुझे यहाँ जाना है, एक बार में मान लो मुझे यहाँ आना है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैंने आज की आज डेट कितनी हो गई 12 सितंबर 2024, और मुझे यहाँ जाना है, यहाँ का मतलब है AO WO IBPS, जो भी आप XYZ डिसीजन लेते हो, इसका मतलब है कि बच्चे का सिलेक्शन उसकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मेरे को 13 साल हो गए, और इसमें हमने 10th 11th 12th JET CUT ICR PrePG FSO एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन सब का एक्सपीरियंस भी है, और इसके अंदर वो बच्चे भी नौकरी लगे जिन्होंने 11 साल बाद में किताब हाथ में ली। इसका मतलब ये तो तय है कि नंबर आने में सिलेक्शन होने में आप पहले से कितने होशियार थे वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। इसका मतलब कौन सी बात ऐसी है सर जो किसी आदमी को सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपके डिसीजन लेने के बाद में टारगेट के बाद में और इस डिसीजन वाले डेट और एग्जाम की डेट इन दोनों के बीच में कौन सा बच्चा डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है। डेडिकेशन का मतलब वन डायरेक्शन, आंधी तूफान कुछ भी आओ, घर पे शादी ब्याह कुछ भी हो, घर पे प्लस माइनस कुछ भी चलो, अमीरी गरीबी कुछ भी चलो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके उसके कोई डिस्ट्रैक्शन का कोई कारण नहीं है। जो प्रकृति के नियम है वो एक साइड चल रहे हैं, उसका डिसीजन टारगेट एक साइड चल रहा है, और वो कंटिन्यू इसी राह पे लगा हुआ है, वो बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। अब इस राह का मतलब समझे नहीं सर, इसका मतलब ये हुआ कि 24 आवर्स आपके दिमाग में तय करने के बाद में क्या ये लक्ष्य ध्यान में कि है, रोज सोते और उठते वक्त यो याद करता हूँ, ऐसे नहीं। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं क्या वो व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्थित बोले तो किसी गुरुजी के सानिध्य में रह के स्टडी करना, गुरुजी का मतलब कोचिंग नहीं है, कोई बुक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है
कोई आप कोचिंग करोगे तो ही नौकरी लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब किसी गुरुजी के सानिध्य में, मतलब कोई कंटेंट जिसको आपके पढ़ के नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, चाहे वो गुरुजी के पढ़ा के बना लो, चाहे आप किसी बुक में से चार बुक पास में रख के उसमें से छांट के बना लो, तो ये तो वह टाइम, ये भी कितना टाइम, लमसम 4 से लेके 8 घंटे का बीच का कंटेंट को समय दिया है, कंटेंट को, और उसके बाद में उसको याद करने के लिए जिसको हम बोलेंगे सेल्फ स्टडी। क्या बोलेंगे? अरे मान लो कोई सरा के आपको पढ़ा के चले गए, आज आपकी 4 क्लास हुई, मान लो 5 क्लास हुई और पढ़ा के चले गए, तो क्या क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो खड़ा होके 5 क्लास का वापस सुना देगा? है कोई ऐसा बच्चा? कोई है तो मेरे को आई, आधा घंटा हो गया, लो मैंने जो बोला है वो वापस लाइन टू लाइन सुना दो, चलो बाइक दूंगा आपको मैं। अभी तक जो मैंने बोला है ना इस रूम में आने के बाद में, और मैंने कोई अंग्रेजी में नहीं बोला, सब देसी भाषा में बोला, इस रूम में आने के बाद में वापस सुना दो, चलो कोई भी बच्चा खड़ा होके, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, न्यूमेरिकल भी नहीं था, वापस सुना दो, एक बाइक दूंगा, चलो हाथों हाथ दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सुनाओ देखें। अच्छा कि सर मैं तो कमजोर हूं, तो पूरे कमजोर इस रोयल के हाथ लगे हैं क्या? इसका मतलब सब तो कमजोर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई इंटेलिजेंट नहीं है, सबको गुरुजी ने पढ़ा दिया। अब टेस्ट में नंबर, एग्जाम में नंबर उसके आते हैं सेम कंटेंट पढ़ने के बाद में, जो बच्चे घर जाके वापस सेल्फ स्टडी करते हैं वो पढ़ाई में होशियार होते हैं, और जो वापस जाके नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ाई में क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। अब ये चाहे पहली क्लास की बात कर लो, चाहे 8वीं की कर लो, चाहे 12वीं की, चाहे WBH की, चाहे RS वाले की, चाहे IAS वाले की, इसका मतलब मेन मुद्दा है सेल्फ स्टडी। अब आप रोज का पढ़ाई हुआ, रोज पढ़ रहे हो, मतलब रोज नोट्स बना रहे हो और उनको रोज याद कर रहे हो, और याद करने के साथ में प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग नहीं भूलने की, मतलब वो हमेशा याद कैसे रहे, इसका मतलब पुराने पढ़ाए हुए को आप रिवीजन का समय दे रहे हो, और बाद में क्योंकि नंबर तो खाली उस ओमार शीट से ही आता है, उसमें भरना आना चाहिए सही। कई बार आपने देखा होगा कि नॉलेज बहुत होता है, खुद मास्टर बन जाता है, लेकिन एग्जाम करेक्ट नहीं होता, दूसरों को पढ़ा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दो काम होने के बाद में टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और यह टेस्ट की प्रैक्टिस 2 दिन में नहीं होती, नहीं तो हम टेस्ट लेंगे नहीं, क्यों ओमार खराब करें? संडे के दिन हर स्टाफ चाहता है कि मैं छुट्टी रहे। अरे भाई संडे के दिन टेस्ट लेने के लिए कोई स्टाफ तो आता होगा, तो हम भी तो चाहते हैं उनको छुट्टी मिल जाए, लेकिन हमें पता है कि मेन ये टेस्ट ही है, ये हम 2011 से ले रहे हैं, कब से? हाँ, टेस्ट लेने की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, यूँ मान के चलो, और आप सामने बैठे हो। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रिजल्ट टेस्ट, इसका मतलब आपने जिस दिन डिसीजन लिया उस दिन गुरुजी के सानिध्य में पढ़ना, मतलब अच्छा कंटेंट एक जगह इकट्ठा करके पढ़ना, और उसको रोजाना वापस रिवीजन करना, उसके साथ में पुराना वापस रिवाइज करते हुए चलना, और टेस्ट के अंदर हर बार टेस्ट देना, और टेस्ट में जो भी एरर आपके आ रही है हर बार उस एरर के वापस नोट्स बनाना, और अगले टेस्ट में कम से कम गलतियां हो वो नोट्स की संख्या घट जाए। जैसे पहले पेज में पहली बार मान लो 12 तारीख को टेस्ट हो, उसमें आपने 16 गलतियां की, तो अगली बार जो नोट्स बनाए उसमें 12 ही आई, फिर उससे अगली वाली में 6 आई, उसके बाद में 8 ही आई। बात समझ में आई? ये काम यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच्चा ईमानदारी से कर लेगा उसका मुझे पूरा विश्वास है कि उसका नंबर आ जाता है। धरती पर ऐसे करने वालों की संख्या बहुत कम है, या तो इनमें से आधे करेंगे या फिर थोड़े टाइम करेंगे फिर इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए वही बच्चा एग्जाम क्रैक करता है जो शुरू से लेके लास्ट तक लगा रहता है। बात समझ में आई? और यही काम ब्रिजेश ने किया है। किसने? हाँ, इसलिए टॉप कर गया। उससे पहले अशोक राठौड़ जो था उसने किया था, वो भी प्री पीजी टॉपर, उसने भी यही काम किया था। मतलब कोई नया ऐसा नहीं है कि भाई बादाम का नाश्ता चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूटी। इनमें से आप कुछ भी छोड़ रहे हो, मतलब मैं चार ही बात बात कर रहा हूँ,
कंटेंट अगर प्रॉपर नहीं है और आप बढ़िया मेहनत कर रहे हो तो भी रह जाओगे, कंटेंट पूरा ले रहे हो रिविजन नहीं रोजाना नहीं पढ़ रहे तो भी रह जाओगे, कंटेंट ले रहे हो रोजाना पढ़ रहे हो लेकिन आप पुराना नहीं देख रहे तो धीरे धीरे आप लोड में आ जाओगे। लोड में क्यों आओगे? क्योंकि टेस्ट में आपके नंबर नहीं आएंगे, टेस्ट में नंबर पुरानी यादों के आधार पर नहीं आते, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं अगर पुराना साथ लेके नहीं चलो तो टेस्ट में नंबर आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे इधर चलोगे। आपको यहाँ से यहाँ चलना है तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में चलोगे, मतलब इसको यूँ बोले कि रामदेवरा जाना है, अरे भाई रामदेवरा जाना, मान लो रामदेवरा की यात्रा भी खत्म हुई है तो लोग जा रहे थे, तो कोई तो जोश में जा रहा है और कोई मन मार के जा रहा है और जाना यही है, तो किसको ज़्यादा फल मिलेगा, कौन खुश रहेगा, एनर्जी लास्ट तक किस में रहेगी, जोश वाले में जो मन से जा रहा है। तो यहाँ जोश मेंटेन रखने के लिए खाली बातों से काम नहीं चलेगा, कंटेंट चाहिए, सामान चाहिए पास में, हथियार चाहिए, भाई युद्ध लड़ना है यहाँ तो इसके लिए औजार चाहिए ना, औजार यही है दोनों तीनों, इन सबको एक साथ लेके इधर चलोगे तो आप जोश में रहोगे क्योंकि आपके पास क्या है, सब कुछ है। बात समझ में आएगी? अपने बीच में सर भी आ गए, सर के लिए ताली बजाओ। हाँ सही बात है कि नहीं सर? हाँ तो कहने का मतलब है कि डब्ल्यू की भर्ती आएगी, अच्छे खासे पदारे लेकिन सब नहीं लगेंगे, ये तय है, वो लगेंगे जो इस काम को यहां से यहां तक करेंगे। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज कि सर भर्ती 4-5 महीने बाद में आएगी और हम पहले आ गए तो ये हमारा डिसीजन कैसा है? तो आपको पहले भी मैंने पुराने वीडियोज में बताया था कि भाई चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यूजी अगर किसी बच्चे ने कर ली, लेकिन भर्ती आने के बाद में जो बच्चे कोर्स खरीदते हैं वो कोचिंग वालों का पेट पालते हैं, यूँ मान के चलो, ये बात शाश्वत सत्य है। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अंदर पूरी उम्मीद है कि भर्ती आके एग्जाम होना चाहिए, उम्मीद है, मैं लिख के नहीं दे सकता, 6-8 महीने मान लो भर्ती आवा के कंप्लीट हो जाएगी। अब जिस बच्चे को भी डब्ल्यू की तैयारी करनी है या कोई नए बच्चे करना चाहते हैं उनके पास समय है, सही व्यवस्थित तरीके से जहाँ कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, मान लो किसी कारणवश आप तैयारी फुली डेडिकेट होकर नहीं कर पा रहे हो, पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम 8-10 घंटे आपको समय निकालना चाहिए। और जिन बच्चों के पास कोई काम नहीं है, घर वालों ने मान लो आपको घर की आपकी ऐसी परिस्थिति है कि आपको उदयपुर में ही छोड़ दिया कि नहीं बेटा पढ़ो आप तो बाकी हम काम कर लेंगे, तो आपको रोजाना 12 से लेकर 14 घंटे की स्टडी, कोचिंग की और सेल्फ स्टडी दोनों मिला के करनी चाहिए। मैंने मेरी लाइफ में एक भी आदमी नहीं देखा ऐसा अभी तक, कोई दूसरे होंगे तो मुझे नहीं पता इसलिए मैं वो बात करूँगा भी नहीं, जो 4-5 घंटे पढ़ के सरकारी नौकरी पिछले 10 साल में लग गया हो, मैंने नहीं देखा एक भी। क्या बोला मैंने? 4-5 घंटे रोज पढ़ता हूँ और बाकी मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खोलता हूँ या पबजी खेलता हूँ, पबजी खेल के माइंड फ्रेश कर लेता हूँ और फिर 4 घंटे ये पढ़ता हूँ और नौकरी लग गया, ऐसा मैंने नहीं देखा। तो सर फिर आपने कैसे देखे? मैंने वो देखे जो 12 से लेकर 14 घंटे रातें काली किए, उनके पास नॉलेज भी आया, वो पढ़ भी गए, सीख भी गए, किसी एक भर्ती में रह गए तो दूसरी में लग गए, लेकिन वो लग जरूर गए, सही बात है कि नहीं है? और कोई किसी कारणवश नहीं लगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो गया क्योंकि उसने मेहनत करना सीख लिया। क्या सीख लिया? हाँ, इसलिए मैं सरकारी नौकरी डब्ल्यू लगूँ कि नहीं लगूँ वो तो बाद की बात है, वो तो हमें उस पर छोड़ना ऊपर वाले पे। इस डब्ल्यू बनने के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो हिसाब रख लेना आप तो, और आज से ही नोट कर लेना। क्या सर? टाइम टेबल रखना कि रोज आप ये काम कर रहे हो क्या? सर मेरे से इतना नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ दो, छोड़ दो, इतना नहीं पढ़ा जा रहा तो पढ़ना है लगने के लिए तो। या सर बिना पढ़े चल जाता कहाँ? नहीं चलता। हाँ पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब मैं सर की क्योंकि क्लास का टाइम है इसलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, गुरु जी चाहूँगा आओ सर बच्चों को इनाम दो आप, आज आपके हाथों से दिलाएंगे, ताली बजाएंगे जिनको बुला रहा हूँ उनके लिए। किरण यादव, किरण यादव ताली बजाओ जोरदार। एक कोड नंबर 29 है, 29 कोड। क्या नाम है? अनीता, ये आएगी। किरण यादव के कोड है 171 और टोटल कोड शायद लास्ट वाला के 210-211 होंगे। कितने आज एडमिशन हुआ वो?
214 और इसके 171 हैं, इसका मतलब ये लेट आई है और फिर भी इनाम लेने सबसे पहले आ गई पहली बार, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ताली बजाओ और एक बार, सही नहीं है सर? हाँ आओ सर, इनाम पहली बार आए हूँ इसलिए बुला रहा हूँ। दिलकुश कंवर, जोगराज सिंह, बहुत बढ़िया। डब्ल्यू हिंदी मीडियम न्यू बैच, ताली बजाओ इनके लिए, न्यू बैच के लिए। न्यू बैच में टोटल बच्चे 70, कितने बुला रहा हूँ। मिस्टर राहुल बेरवा, बहुत बढ़िया, गुड। दुष्यंत मालव, वेरी नाइस। प्रियांश शर्मा, शुभम सैनी, सॉरी सुभाष सैनी, गुड। दीपक सुमन, पूजा दाखड़, ताली बजाएंगे। जगदीश चौधरी, रितिक कुमार शर्मा, निर्मला जाट, प्रवीण कुमार मीणा, रामबाबू डांगी, महावीर नागर, अभिषेक मेहता, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, बाबूलाल बबलू गोचर, अर्पित दाखड़। ये बच्चे मंच पे आ जाओ। प्रवीण कुमारी, हाँ सॉरी, मैंने क्या एक नाम से आगे आइडिया ही लगा लिया था। आ जाओ। डब्ल्यू इंग्लिश मीडियम है क्या यहाँ? कोई बात नहीं, वो उधर है बस।